अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। तो भाई आज का ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुछ इस तरह से कि जो है ना, मैंने आपको अपने रीसेंट ब्लॉग जो मैंने सॉल्टीज़ के हवाले से ब्लॉग अपलोड किया था, जिसमें मैंने सॉल्टीज़ रेस्टोरेंट का जो है मैंने आपको रिव्यू शेयर किया था, तो उसी का पार्ट टू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने लगी हूँ जिसे आप सब देख के हैरान हो जाएंगे कि यार मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जो है ना, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिली उस चीज़ को देख के। तो मैंने इस पर पूरा मैं आप लोगों के साथ ही वो चीज़ शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैक पे ले जाती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट से कि सीन हुआ कैसे और मुझे जो है वो चीज़ देख के मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस कैसे हुई और मुझे कैसे मोटिवेशन मिली। तो भाई मैं जब उनके रेस्टोरेंट गई विजिट के लिए और उनकी चीज़ों को ट्राई करने के लिए और वहाँ पर जितने उनके कस्टमर्स आते हैं उन सबका ऑनेस्ट रिव्यू लेने के लिए, क्योंकि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे उनके वर्कर्स हैं। जैसे उन्होंने बताया अपने उसमें कि वो ये इनका फैमिली बिजनेस है और इनके बेटे, इनके चचा वगैरह ये सब इसमें साथ काम करते हैं और कोई बाहर का बंदा ही नहीं है। तो उसी के साथ साथ मुझे एक ऐसा एफर्ट उनकी फैमिली का दिखा जो कि अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था इनके बिज़नेस में, जो कि थी जिनका ये रेस्टोरेंट है मुनव्वर साहब, उनकी जो है वो बेटी साहबजादी। सो गाइस, उस बच्ची की जो एज थी वो थी 13 ईयर्स, ओनली 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, जो जो है वो जो है आप मैनेजमेंट का काम जो होता है, आप किसी भी जगह पे एम्प्लॉय हो या किसी भी कंपनी में कोई काम कर रहा हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे एक मैनेजमेंट का बंदा होता है या पूरा मैनेजमेंट का स्टाफ होता है। अगर कोई बड़ा सेटअप है तो उसका पूरा मैनेजमेंट का स्टाफ होता है। तो मैनेजमेंट जो होती है वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप यकीन करें कि वो 13 साल की लड़की उस शॉप, उस रेस्टोरेंट में जो है वो एज अ मैनेजर, एज अ मैनेज सब चीज़ों को मैनेज कर रही थी। और मैं उसको देख के हैरान हो गई कि यार मतलब इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, इतने अच्छे तरीके से वो सब चीज़ों को मैनेज कर रही थी कि मैं कह रही थी कि यार मतलब ये चीज़ मैंने कभी भी नहीं देखी कि इतनी कम उम्र बच्ची इतनी अच्छी से चीज़ों को मैनेज करे। दिस व्लॉग इज़ ओनली फॉर यू, क्योंकि जो है आपने इतना ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया कि मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक सेपरेट व्लॉग बनाऊँगी, ताकि मेरी ऑडियंस भी जो है वो देखे, मोटिवेट हो और अपने आप को अंदर से कहे कि यार हम भी सब कुछ कर सकते हैं, एज मैटर नहीं करती है। और ये 2023 में तो पक्का एज मैटर नहीं करती है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो है इस ब्लॉग को देखिए और बहुत कुछ सीखिए। तो चलें ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और बच्ची को दिखाते हैं। आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल रेडी रखेगा, उसमें मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, सब रेडी का ऑर्डर है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तैयार है, बस 5 मिनट लगेंगे सिर्फ तैयारी में। ठीक है, अब उनको थोड़ा जल्दी कर दीजिए, कस्टमर वेट कर रहा है, डिलीवरी में भी टाइम लगता है ना। जी जी सलमान भाई, बट कब फिर थोड़ा जल्दी लिया है कस्टमर आना। थैंक यू। थैंक यू। वो एक अच्छा तरीके का गोल्डन आइना बना दें, मेरे बहुत अच्छे कस्टमर आए ना, बहुत स्पेशल तरीके का आना चाहिए, मतलब हम जैसे बनाते हैं ना स्पेशल, वो वाला बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बनाइएगा। थैंक यू।